Bob. Had. संस्कृत गीत श्लोक पढ़ा है। हाँ जी। अब जाना कि माँ मोटा मनुष्य श्लोक है ना बाबा। हाँ। मनुष्य नाम सारस्ते शुभ कस्ती को है। हाँ जी हाँ जी। हमें ऐसा नहीं सोचा नहीं ऊंची भगवान हमको हम जैसे साधारण लोगों को मिलता है, लेकिन अभी एक प्रैक्टिकल हुआ भगवान बाप के रूप में मिला, स्कूल टीचर के रूप में मिला। जरूर ले सकते लोगों की पुण्यटनों की पालकी ये पहचान हुआ बाप। ऐसा मुंशी इतनी ऊंच श्रेष्ठ कर्म किया जो सुप्रीम सोर शिव ने दादा लेखराज गौतमधारी और वीरेंद्र देव दीक्षित दोनों को एक के द्वारा मात की पाठ बजाने के लिए और दूसरे द्वारा बाप की गुरु पाठ बजाने के लिए। गोपाल भाई को नहीं, गोपाल भाई को भी पाठ बजाने का, अपने को क्यों भूल जा रहे हैं? लेकिन बाबा शिव बाबा ने बोला है अगर इन दोनों आत्मा से कोई उल्टा कर्म हो जाए तो मैं उल्टा करूंगा, इतना भरोसा लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ये सिर्फ दोनों आत्मा के लिए। ये तो आपका कहना हुआ, तो शिव बाबा बोला ना, कुछ बोला ना शिव बाबा नाम लेकर के कृष्ण के बारे में तो शास्त्रों में भी बोला हुआ है। और दादा लेखराज अथवा कृष्ण के बारे में मुरली में भी कुछ न कुछ बहुत कुछ बोल लिया है, लेकिन और कोई नाम के बारे में बाबा ने नहीं बोला है। शास्त्रों में तो क्लियर है कि रामकृष्ण में यही अंतर है, कृष्ण वाली आत्मा अपने को भगवान मानती है, भगवान सिद्ध करती है, और राम वाली आत्मा कभी भी अपने को भगवान सिद्ध नहीं करती। तो भगवान दो नहीं हो सकते, भगवान तो जरूर एक ही होगा। और एक जो होगा वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो प्रत्यक्ष कर भी नहीं सकता अभी। अगर प्रत्यक्ष करे तो अनेक प्रकार के प्रश्न उठ खड़े होते हैं जिनका समाधान कोई के पास नहीं है। प्रत्यक्ष होने का पहला पॉइंट सिद्ध होगा गीता का भगवान कौन है, वो बात अभी सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए बाप की प्रत्यक्षता का टाइम पहले नहीं हो सकता, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष, पहले गोपाल की प्रत्यक्षता का टाइम होना चाहिए। मतलब बच्चों को प्रत्यक्ष है, बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं बाप, बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। बाप ज्यादा शक्तिवान है या बच्चे ज्यादा शक्तिवान है? बाप। तो कौन अपना काम पहले करेगा? बाप करेगा। बाप करेगा तो बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे, और बाप ही प्रत्यक्ष करने वाला है। लेकिन बाप दादा का कहना है कि मैं कभी नाम नहीं लिख के बताता, बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि किसका क्या पार्ट है। हर बात का प्रूफ होना चाहिए, तो बाप प्रूफ देते हैं, प्रूफ के लिए इशारा देते हैं। जो देव आत्माएं हैं इशारा से उन इशारों को पकड़ लेती हैं,
वो देवात्मा ही बाप को प्रत्यक्ष करती है। विदेशी प्रत्यक्ष करते हैं लेकिन पूरा प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। स्वदेशी देवताएं हैं, वो अपने बाप को जरूर प्रत्यक्ष करते हैं। नाम लेके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ढोल बजाने से प्रत्यक्ष नहीं होगा, हो जाएगा नहीं। बुद्धिमान बच्चों को बाप पसंद नहीं करता, दिल वाले बच्चों को बाप पसंद करता है। लेकिन यह भी बोला है बुद्धिमान बाप की, बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या मतलब बुद्धिमानों को प्रूफ और प्रमाण चाहिए? दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष करना है, प्रूफ और प्रमाण देना पड़ेंगे। शास्त्रकारों का तो यहाँ तक कहना है कि ब्रह्मा भी उतर आए, साक्षात भगवान ही क्यों न उतर आए, तो भी जब तक शास्त्रों से प्रूफ टैली नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं है। हम भी ऐसे ही ना बाबा, प्रमाण ही हमने कहा मान लिया? हम तो ब्रह्मा बाबा को बड़े आराम से मान लिया, ब्रह्मा बाबा है, भगवान उसमें प्रवेश करता है। कोई प्रभु प्रूफ मांगा क्या? बेसिक नॉलेज में चले तब हमने भगवान का कोई आने का प्रूफ मांगा? बेसिक में नहीं मांगा, मान तो लिया ना कि भगवान आया हुआ है। तो फाउंडेशन तो हमारा वहीं से पड़ गया कि हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे नहीं है, हम भावना वाले बच्चे हैं। लेकिन बाप की पहचान प्रमाण से ही हुआ ना? वो प्रमाण के आधार पर मानने वाले विदेशी बच्चे हैं या स्वदेशी बच्चे हैं? बुद्धिमान बाप के बच्चे बुद्धिमान ऐसे कहने में या ये प्राइस है माना, ये एप्रिसिएशन है या क्या? हम मातेले हैं या बपतेले हैं? एक होता है बाप का बच्चा, जैसे कश्यप ऋषि के बच्चे असुर भी थे और देवताएं भी थे, दोनों को बाप का बच्चा कहेंगे या मातेला कहेंगे? बाप का बच्चा। फिर मातेले कौन थे? देवताएं सौतेले। देवताएं सौतेले थे? सौतेले बाप कश्यप जिस माता को विशेष मान्यता देता था, वो माता के बच्चे वो मातेले हुए, बाकी को मातेला नहीं कहेंगे। मातेला ही श्रेष्ठ होता है, सौतेला श्रेष्ठ नहीं होता। जिनको बुद्धि का अहंकार रहता है बाप उनको प्रेफरेंस नहीं देता। लेकिन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होना अलग बात है, बुद्धि का अहंकार होना अलग बात है। बाप को हम क्या बुद्धि दिखाएंगे? हमें जो कुछ भी ज्ञान मिला है मिला किससे है? बाप से।
जो भी बुद्धि मिली है, मत मिली है, वो किससे मिली है? 63 जन्म तो भटकते रहे, मिला तो कुछ भी नहीं। तो हमें बुद्धि का किस बात का अहंकार होना चाहिए? लेकिन विदेशियों के अहंकार होता है, स्वदेशियों को बुद्धि का अहंकार नहीं होता है। दक्षिण भारत वाले जो विदेशी का सभी को अहंकार होते हैं। आत्मा विदेशी होती है, शरीर विदेशी होता है, यह शरीर विदेशी होता है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है और देह का कनेक्शन इसी जन्म से है। बाप तो कहते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन अच्छे अच्छे बच्चों को विदेश में सेवा के लिए भेजा गया है, ताकि संसार में आवाज निकालें। नहीं तो ये कुंभकर्ण तो सोए पड़े हैं भारत के, वो आवाज निकालेंगे और ये आवाज ठंडी करने वाले हैं। आवाज ठंडी करने वाले कुंभकर्ण तो खुद ही सो रहे हैं, औरों को भी सुला देंगे। इसलिए जो सच्चे साफ दिल बच्चे हैं, आज भी क्या कहा, विदेशियों की क्या विशेषता बताई, साफ दिल बच्चे हैं, जो अंदर बात होती है वो बाहर कर देते हैं, छुपाते नहीं हैं। इसलिए सच्चे दिल पर साहब राजी। और खड़े के बात में वल्लभरोल गीता पाठशाला में तुम्हारा क्लास क्लास नहीं हुआ? नहीं बाबा, बोला है तो बल्लभपुरी में गीता पाठशाला है, वहाँ आकर आप अभ्यास करना होगा। क्या वो भी गीता पाठशालाएं खुली हुई हैं? वो गीता पाठशाला वैलिड ही तब कही जाएंगी संसार में जब गीता का ज्ञान देने वाला ज्ञान दाता वहां आकर के पाठ पढ़ाए। तो आज नहीं तो कल आना तो जा होता ही है गीता पाठशालाओं में। कोई भी गीता पाठशाला ऐसी नहीं बचेगी जिसमें गीतापति भगवान जाकर के पाठ न पढ़ाए। यहाँ गीता ज्ञान देने वाला, गीता का पाठ पढ़ाने वाला एक ही बाप है। हाँ, तो पढ़ाई में जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा है। हाँ जी, उसका एग्जाम्पल भी बाबा दिया, शरद कुमार सनंदन सनातन सनत। इसमें तो जो सनत है सबसे छोटा है लेकिन वो ज्ञान में बड़ा है। यहाँ तो जगदम्बा है ना, जगदम्बा को किसी ज्ञान में क्रॉस नहीं कर सकते। जगदम्बा जो है ज्ञान की देवी है। हाँ, बच्चे क्रॉस नहीं कर सकते, बच्चे क्रॉस नहीं कर सकते। बाप तो ने बाप के लिए तो नहीं बोला है, पाप तो नहीं बोला है। हाँ जी, हाँ जी। और जो काशी है चैतन्य काशी, दूसरा असुदेव ने दूसरा नंबर का बनाया, उसमें याद का पावर है, तेज है। इनमें दोनों में किसका महत्व है? याद ज्यादा काम देती है या ज्ञान ज्यादा काम देता है? याद देता है। याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, और याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन याद के आधार पे ज्ञान है। जितना बीज रूप स्टेज में आत्मा टिकती है
उतना बुद्धि सूक्ष्म बनती है। बुद्धि सूक्ष्म बनने से ज्ञान स्वतः ही इमर्ज हो जाता है। जैसे बूढ़ी माताओं के लिए कहा, अंत में बूढ़ी बूढ़ी माताओं के अंदर भी सारा ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। ये कौन सी ताकत है? याद की ताकत। अगर बाप दादा चाहते हैं तो वापस जा सकती है, लेकिन बच्चों के लिए हाँ नहीं चाह सकते। बच्चों के लिए यहाँ बाप दादा के शब्द को मौलिक रूप में शिव और शंकर को समझना है या राम कृष्ण को समझना? जो रहने वाला ही परम धाम का है उसे आने जाने की बात क्या हो? जो परम धाम का रहने वाला नहीं है उनके लिए ये बात है कि चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन ऐसी चाहना कर नहीं सकते क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए बाप दादा कैसे वापस चले जाएंगे? अगर इस बाप दादा मन राम और कृष्ण की आत्माएं को लाग गए तो कृष्ण की आत्मा अभी तक बाप को पहचाना नहीं, तो कैसे इंसान जा सकते हैं बाप जैसा? बच्चों के मुकाबले ज्यादा पहचाना है या कम पहचाना है? कृष्ण ब्रह्मा वाले पहचाना नहीं है ना? नहीं पहचाना है तो साथ कैसे देता है? जब पहचान देता है अभी साथ देता है या नहीं देता है? ज्यादा प्रवेश किसमें करता है? तो फिर और मुरली के पॉइंट है बाबा, पतितों को पावन बनाने वाला ये है जिसकी श्रीमत पर तुम चलते रहे बाबे, चलते रहो। प्रजापिता ब्रह्मा की मक्खी मशहूर है, मशहूर कैसा बाबा? मत भी, भी का मतलब है उसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी है। शिव बाबा के अलावा जब हम शिव बाबा कहते हैं तो कौन सी आत्मा की तरफ बुद्धि जाती है? साकार निराकार दोनों। पढ़ाने वाली आत्मा एक है या दो हैं? एक ही है, थ्रू प्रजापिता, थ्रू लाउड स्पीकर। आवाज तो आती है जोर से, लेकिन थ्रू लाउड स्पीकर। तो थ्रू का महत्व हुआ या बोलने वाले का महत्व हुआ? तो ऐसे ही है, वो प्रजापिता तो मात्र यंत्र है। हम सब गुड्डे गुड़िया हैं, चलाने वाला वो है। हाँ जी, तो उसी का महत्व है। इसलिए अगर द्वयम नंबर दुनिया में किसी को रखेंगे तो मुकर्रर रथ को रखेंगे। ऊंचते ऊंचे है शिव, फिर ऊंचते ऊंचे है प्रजापिता या नारायण। और भी बोल दिया, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर कृष्ण नारायण प्रजापिता। माने चारों ही अलग अलग नहीं है, चारों ही विभूतियां एक ही हैं।
सर्वशक्तिमान का नहीं देते हाँ जो बाप की सरेंडर होने की जो बात जो है पहली माया शरण प्रभा थोड़ी समय के लिए हाँ जी और दूसरी यमुना शरण प्रभा तीसरी गंगा और चौथा जो जगदम्बा यमुना जैसे जैसे हम यमुना कहते हैं वो माया का बीज नहीं है क्या फिर माया आधार मूर्त भी है माया बीज रूप भी है माने यमुना ही खुद माया का बीज है लेकिन वो थोड़े समय के लिए आपको सरेंडर हुआ लेकिन जो जगदम्बा जो है जो लंबे समय के लिए हुआ यमुना थोड़े समय के लिए हुआ और जगदम्बा बहुत समय के लिए लंबे समय के लिए हुआ बाप से लेकिन धोखेबाज वो भी लिया ना यमुना दोनों ही धोखेबाज हुए ना इसलिए माया धोखा देती है या धोखे से परे रहने वाली है धोखा देती है माया रावण का काम ही है धोखा देना उनकी तुलना अष्ट देवों में से दूसरे देवता के साथ नहीं की जा सकती अष्टदेवों को धोखेबाज नहीं कहा जा सकता और मतलब जगदम्बा भी एक माया स्वरूप है रावण के 10 सिर भूल गए क्या 5 माया के मुख और 5 प्रकृति के मुख 10 मिलकर के रावण के मुख बनते हैं तो रावण अकेला कुछ कर पाता है या प्रकृति का सहयोग लेकर के कुछ कर पाता है हाँ जी माया को प्रकृति के साथ हाथ मिलाना पड़ता है तब पावरफुल बनती है आने वाले समय में बहुत कड़ी परीक्षा है आपके हाँ जी 2018 की पहले ही होना है ना बाबा ये सब परीक्षा जो होती है क्यों 18 में तो थोड़ों की परीक्षा होगी या सबकी हो जाएगी थोड़ों की हो जाएगी हाँ जी और बाबा ब्रेकिंग शो जो है द्वापर में सच्ची की दूसरी नंबर की नारायण में प्रवेश करके उनको करप्ट करती है कैसे बोला है जो परमधाम से जो फ्रेश आती है ब्रह्म सो वो दूसरी नारायण को वो सात्विक आत्मा समुद्र प्रधान शरीर में आते हैं वो कैसे करप्ट करती है दूसरा नारायण संगम युग में कौन सा करप्शन फैलाता है दृष्टि व्यभिचारी क्या व्यभिचारी व्यभिचार फैलाता है दृष्टि का व्यभिचार तो जो दृष्टि का व्यभिचार फैलाने वाला है वो 21 जन्म में सबसे जास्ती कमजोर बनेगा या दूसरी आत्मा कमजोर बनेगी वो बनती है बाबा लेकिन वो सत्व प्रधान तो जो कमजोर आत्मा बनेगी वो किसी के अंडर में जल्दी आएगी या पावरफुल आत्मा होगी वो किसी के अंडर में जल्दी आएगी कमजोर आत्मा आएगी तो वो 10 करोड़ आत्माओं में से सबसे जास्ती कमजोर आत्मा साबित हो जाती है क्योंकि संगम युग में उसने ये अभ्यास डाला है पतित बनने का दृष्टि के आधार पर ये बात उनकी बुद्धि में जल्दी समाती नहीं है कि दृष्टि का लेन देन पतित बनाता है
किसका इसका है? बीज रूप आत्माओं में जो कमी होती है वो जड़ों में भी जाती है। जड़ों को आधार मूर्त कहा जाता है। जड़ें बड़ा रूप है, बीज छोटा रूप है, लेकिन पावरफुल बीज ज्यादा होता है। बीज तो इब्राहिम सोन को समझ रहे हैं। इब्राहिम वाले व्यक्तित्व को जन्म देने वाला है बीज, वो तो बीज है। हाँ जी, लेकिन तो इब्राहिम सोन उनमें प्रवेश करके करप्ट मान सत्य प्रधान ऐसी गलती कर कर्म कैसा करते हैं? प्रवेश जो प्रवेश करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा या कम पावरफुल होगा? इसमें कमी है। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? प्रवेश करने वाला आत्मा ज्यादा पावरफुल है। तो ज्यादा पावरफुल है वो दूसरे को दबोच लेगी ना। कैसे ऐसी कैसे कैसे क्या? जैसे आजकल देखा जाता है भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, दबोच लेते हैं, फिर जैसे चाहते हैं वैसे शरीर को चलाते हैं, इंद्रियों को चलाते हैं। ब्रह्मा की सोल भी बैल बन करके जैसे चाहती है वैसे चलाती है। अभी शंकर की सवारी बैल पर कहेंगे? नहीं नहीं, कि बैल शंकर के ऊपर सवार है। बैल शंकर को तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? अभी बैल हुआ। बैल हुआ। ऐसे ही ऊपर से आने वाली सतो प्रधान आत्मा द्वापर के आदि में इब्राहिम ज्यादा पावरफुल आत्मा है, और 33 करोड़ देवताओं के बीच में सबसे जास्ती कमजोर आत्मा वो है जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है, मुख्य, उसमें प्रवेश कर जाती है और मनमाने ढंग से चलाती है। और अभी जो कश्मीर की बात पर भारत और पाकिस्तान की तो कश्मीर का भी जो स्थूल रूप में और कश्मीर की बात पर जो भारत और पाकिस्तान की झगड़ा चल रहा है, इस बेहद में भारत तो भारत माना पाप है। आपको चतुर्थ धन्यवाद। बेहद में ये बात किसको लागू होती है? लागू होती है किसको? लागू होती है हमारा पाकिस्तान और दूसरे भारत है और बीच में कश्मीर है। उस पर दोनों की लड़ाई हो रही है ना। तो यहाँ बेहद में भारत हमारा तो राम वाले अभी पाकिस्तान कौन है और ना पाकिस्तान कौन है? चैतन्य में पाक माने क्या? कौन है पाकिस्तान? स्थान हो व्यक्ति हो दोनों के हिसाब से पाकिस्तान किसे कहेंगे? अभी कोई पवित्र है क्या? कौन है? कोई पवित्र शिव? शिव तो उस लिस्ट में आता ही नहीं है नापाक की स्थान लिस्ट में। और कोई पवित्र नहीं है? शिव तो नापाक की लिस्ट में आता ही नहीं है। उसका पाक और नापाक होना कहना ही बेकार है, क्योंकि उसको तो अपना शरीर नहीं है। जिनको शरीर है उनकी बात बताओ, कौन है पाक और कौन है नापाक? अभी तो वैष्णवी वैष्णवी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में शिव प्रवेश नहीं कर सकता। कहाँ प्रवेश करता है? नापाक स्थान में ही शिव प्रवेश करता है। उस नापाक स्थान का नाम आज दुनिया में है भारत। कभी भारत था, आज भी शिव के प्रवेश करने से भारत हो गया। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहने वाला। शिव ने प्रवेश नहीं किया था तो नापाक स्थान था। शिव के प्रवेश करने से पाक बन रहा है, तो बेहद में पाकिस्तान और नापाकिस्तान दोनों ही क्लियर हैं। बेसिक और एडवांस।
कश्मीर है फूलों की दुनिया, स्वर्ग स्वर्ग नहीं है लेकिन सुखदाई फूल जरूर है, फूलों का भंडार जरूर है। विजयमाला में फूल है या रुद्रमाला में फूल है? तो फूलों का भंडार है। और रावण को बाबा ने मुरलियों में खास डिफिनेशन दिया है, रावण को रावण मुरली में खास डिफिनेशन खास रावण कौन है जरूर है दिया जाए ऐसा। माया को भी तो माया तो अनेक प्रकार की आती है, स्त्री के रूप में आती है, पुरुष के रूप में आती है, वस्तु पदार्थ के रूप में आती है, ऐसा माया की भी खास डिफिनेशन कोई नहीं है। हमारी ओरिजिन में कमजोर ही माया है, उसका भी जैसे रावण को दिया है ऐसा माया को भी खास कोई खास डेफिनेशन दिया है। मां माने नहीं, आया माने आया, मां आया, ना आया होता तो अच्छा था, ये बीच में आ गई सारा पुरुषार्थ चौपट कर देती है, इसलिए इसका नाम माया है। तो बीच में आता है कि बीच में टांग अड़ा देती है। कम कार्डे, कार माने कार्य, कम कार्य, कम कार्डे दिलियार्डे, कर्मेंद्रिया काम में लगाओ और दिल भगवान बाप में लगाओ। और ब्रह्मा को जो पूजा की सहयोगी है तो अष्टदेव पता है और 108 में पता है, अष्टदेव पता है सूर्यवंशी प्रकाश सूर्यवंशी और 108 में पता है नव रूपों की जो 12 होती है और 16108 में पता है वो राज की परिवार में आने वाला है। हाँ जी ऐसा तो ये जो 1000 बुजियाए है वो खास विशेष सहयोग बाप को देती है, इसके बारे में क्या? 2000 बुजे नहीं 1000 ब्रह्मा को 1000 बुजियाए चलाने वाला जो प्रयास है ना, तो उनके बारे में माना तो 2000 बुजे के बारे में खास बात है। हाँ बोझाए माने सहयोगी, जो विशेष सहयोग देने वाले हैं और जब जरूरत हो उस समय विशेष सहयोगी बन जाएं, उस सहयोग की बलिहारी है। सदाकाल सामान्य हिसाब से सहयोगी बनते रहे वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष टाइम पर जब जरूरत हो उस समय सहयोगी बन जाए। जैसे महाराणा प्रताप के जीवन काल में भामाशाह जब वो घास की रोटियां खा रहे थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो भामाशाह ने अपनी सारी धन संपत्ति उड़ेल दी, पीढ़ियों की कमाई उनके सामने रख दी, तो उसे कहेंगे विशेष भुजा, सहयोगी भुजा।
और बाबा नवदेश ब्राह्मण है, नव भक्ति भी, भक्ति भी है, नवदा भक्ति है, नवदा याद भी है। तो नवदा याद बना तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी याद है साकार में निराकार को याद करना। हाँ जी, वो सूर्यवंशी वाले अपना ही कुत्ते वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों चंद्रवंशी आत्मा याद नहीं कर सकते? उन्हें जब ज्ञान मिलेगा तो वो भी याद करेंगी साकार में निराकार को। हाँ। और बाकी जो विधर्म है विधर्मी हाँ। उनका याद माना ऐसा माना प्रवृत्ति की तरफ नहीं होते ना बाबा, वो निवृत्ति की तरफ होती है क्या? वो और धर्म पिताओं में बट जाती है उनकी बुद्धि, तो बुद्धियोग खंडित हो जाता है। उनकी याद प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति की तरफ नहीं होती। पहले पक्का निश्चय हो तभी प्रवृत्ति बनेगी ना। निश्चय को माया हिलाती डुलाती रहे तो पक्की प्रवृत्ति कहाँ हुई? यज्ञ के आदि में जो पीहू की वाणी चली उसको सुनकर दीदी दादियां कांप जाती हैं। जब है ही नहीं वो अवेलेबल तो कांप कहां से जाती है? शिवरिंग करना कंपित कर। हाँ, वो वाणी होगी, सुनने को मिलेगी, तभी तो कांपने न कांपने की बात होगी। अभी वो गाने अवेलेबल है तो कांपने की बात कहां से पैदा हो गई? हाँ, पीयू का नाम सुन करके जब से एडवांस पार्टी निकली है और प्रजापिता की बात क्लियर की है तो प्रजापिता की बात सुन करके वो कांप जाती है। पहले पीयू की बात बताती थी, अभी पीयू का नाम लेना भी बंद कर दिया है। बाबा ने कहा गीता पाठशाला खोलना है तो पांच पांडव जरूर रहना चाहिए, तो पांच पांडव के लिए ही क्यों बोला है? जो गीता के भगवान के महावाक्य हैं उनको फॉलो किसने किया? कौरवों ने फॉलो किया क्या? यादवों ने फॉलो किया क्या? पांडवों ने ही फॉलो किया। पांच पांडव क्यों बोले गए? क्योंकि थोड़े होते हैं ना बाबू का। नहीं, पांच ही धर्म हैं जो स्वदेशी हैं। सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धी, सन्यासी और सिख, इनके मुखिया ही पांच पांडव हो गए। इनका प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा ही पांच पांडवों के रूप में गाई गई है। ये पांचों ही मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे तब तक माया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पांचों उंगलियां चाहिए। ये गीता पाठशाला कहीं वो जाती है जहां पांच पांडव कम से कम हो, होनी तो चाहिए छठी द्रौपदी भी और सातवीं कुंती भी होनी चाहिए। ज्ञान में चलने वाले परिवार जब आमने सामने मिलते हैं तो ओम नमः शिवाय कहना चाहिए या ओम शांति कहनी चाहिए? वाणी से परे होना चाहिए। स्टेज बनी होगी तभी वाणी से परे होंगे,
यह स्टेज नहीं बनी होगी तो भी वाणी से परे हो जाएंगे। अभी नहीं बना, लेकिन मुरलियों में ओम शांति की बात आती है। हाँ, मुरलियों में ओम शांति की बात तो आती है, क्योंकि मुरलियां जिसके द्वारा बोली गई हैं, उसने स्वयं उसे पहचाना नहीं प्रैक्टिकल जीवन में। और यहाँ तो सिर्फ मुरलियां सुनने की बात है, सुनाने की बात है, धारण करने की बात है, और प्रैक्टिकल जीवन में चलने की भी बात है। प्रैक्टिकल जीवन में जो चलेगा वो एक को पहचान करके या दो को पहचान करके नमन करेगा या एक को नमन करेगा। एक तो पहचान में आता ही नहीं, वो तो बिंदी है, वो देखने में ही नहीं आता है। वो एक मुकर्रर रथ में पहचान में आना चाहिए, तो दो आत्माएं हो जाती हैं। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो नमन किस आत्मा को करती है? नमः शिवाय, नमः शंकराय नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? नमः शिवाय। शिव की आत्मा को हम नमन करते हैं शरीर में रहते रहते। तो ऐसी पक्की स्टेज बनी है तो ठीक है, ओम नमः शिवाय कहने की भी दरकार नहीं है। एक दूसरे को देखा, दृष्टि मिली और वाइब्रेशन से ही एक दूसरे को समझ जाएंगे, समझाए देंगे कि हमारी एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है या नहीं है। नहीं तो मुख से कहने वाले तो बहुत होते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तो कहना कुछ और करना कुछ और हो जाता है, अंदर एक और बाहर दूसरा हो जाता है। बड़ी कदम है। जो भी सरेंडर होकर घर चले जाते हैं उनको बाबा के ऊपर प्यार तो है, लेकिन वो किसी से तंग होकर के, अशांत होकर के घर चले जाते हैं, तो उनका किस आधार पर नंबर मिलता है? अशांत करने वाली माया है, माया रावण है या बाप है? माया रावण। सरेंडर होने वालों ने एग्रीमेंट किससे किया है? बाप से किया है। तो बाप को छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? जो अशांत करने वाले हैं उनसे बात करना बंद कर दें, उनसे बोलना चालना बंद कर दें। कोई जबरदस्ती है? नहीं बात करते, नहीं चलेगा क्या? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। विरोधाभास पैदा करना है तो अज्ञानियों के साथ करना है, या बाप का जो परिवार है, परिवार के भांति है, उनके साथ विरोधाभास पैदा करना है? कहां सहन करना है और कहां सामना करना है? परिवार में क्या करना होता है? सहन करना होता है। लेकिन विदेशी है,
विधर्मी है तो परिवार के साथ सामना करेंगे या सहन करेंगे? तो सामना करने लग पड़ते हैं। ट्रेटर बन गए, अलग हो गए, जो चाहेंगे सो बोलेंगे। जल में रह करके तो मगरमच्छ से विरोध होता नहीं है, तो बाहर हो गए। बोला हुआ है 16,000 में आने से अच्छा तो ये है कि बड़े बड़े साहूकार बन जाएं। बड़े बड़े साहूकार भी राजा के नजदीक गद्दी डाल करके बैठते हैं, उनको भी ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं। जैसे राजा के महल होते हैं वैसे उनके महलवाणियां अटारियां होते हैं। तो कम मर्तबा है क्या? हाँ, राज परिवार वालों के अधीन जरूर रहते हैं, तो वो हैं अधीन और राज परिवार वाले हैं नंबर वार स्वाधीन। अब क्या बनना है वो देखना है। बाबा ने तो कहा नहीं कि दास दासी बन के रह जाओ। दास दासी तो वो बनते हैं जो एक बार सरेंडर हो जाते हैं तन से मन से धन से, फिर धोखेबाजी करते हैं, सर उठा लेते हैं, विरोध करते हैं, त्याग पत्र दे करके चले जाते हैं, दूसरी पार्टी अटेंड कर लेते हैं, दूसरे देश की जाकर के सेवा करते हैं, दूसरे को बाप बना लेते हैं। उनको दोगला कहेंगे या मातेला कहेंगे? करिया करिया माने पागल जैसे, कुछ भी बकते रहते हैं, उनको कहते हैं चरियाई। लेकिन पहले पढ़ाने किसको आएगा? है सबको तो नहीं पढ़ाने आएगा। हाँ जी, तो उनके प्रति शिव बाप का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? उसको पिता क्यों कहा जाता है? ये बहुत पत्ते जो पहचानता है उनका पहले बाप है, जो बाद में पहचानते हैं उनका बाद में बाप है। मनुष्यों में जड़त्व बुद्धि वाले नहीं होते हैं। तो जैसे मनुष्यों में नंबर वार जड़त्व बुद्धि है, वैसे पेड़ पौधों में भी जड़त्व बुद्धि है, पशु पक्षियों में भी जड़त्व बुद्धि है। लेकिन पशु पक्षी को बाप की पहचान या ना पहचान ऐसी कोई नहीं होता है। वाइब्रेशन तो पकड़ते हैं। मनुष्य सुधरता है तो जानवर सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं? सुधरते हैं। मनुष्य के वाइब्रेशन में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जंगल में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? मनुष्य। क्यों? क्योंकि क्योंकि मनुष्यों का वाइब्रेशन उनको लग जाता है, वो मनुष्यों के वाइब्रेशन से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जानवर। अष्टदेव जो हैं वो भी भगवान के बच्चे हैं जो सजा नहीं खाते हैं, बाकी सब सजा खाते हैं। तो जो सजा खाने वाले बच्चे हैं
क्या वो भगवान के बच्चे नहीं है? क्यों नहीं है? बच्चे तो हैं, लेकिन दुष्ट कर्म करने वाले हैं, नहीं मानते हैं तो फिर उनको सुधारने के लिए क्या किया जाता है? दंड विधान करना पड़ता है। बच्चे तो हैं, सजा खाते हैं तो पद कम हो जाता है। माने कम पद पाने वाले बच्चे हैं। बच्चे तो सरेंडर होने वाले, बाप के परिवार के बनने वाले प्रैक्टिकल में 16,108 हैं, चाहे वो मेल के रूप में हो चाहे फीमेल के रूप में हो। दोनों ही 16,108 के अंदर है। बाकी कोई बात जल्दी मान लेते हैं, कोई बात नहीं मानते हैं। बात नहीं मानते हैं, अड़ जाते हैं तो सजा खाते हैं। सजा खाते हैं उतना पद नीचा हो जाता है। कोई तो 16,000 में ऐसे भी हैं जो 21 जन्मों में से जो आखिरी जन्म होगा, उस आखिरी जन्म में अंतिम 2-4 वर्षों में जाकर के प्रिंस या प्रिंसेस बनेंगे, एक जन्म के लिए 2-4 वर्षों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाएंगे, बाकी दास दासी बनते रहेंगे। तो वो दास दासी बनना अच्छा या प्रजा वर्ग में साहूकार बनना अच्छा? उनसे तो अच्छा है प्रजा वर्ग में साहूकार बनते रहे। सरेंडर होना है तो बुद्धि को सरेंडर करके रखना है, जैसे चलाए वैसे चलना है। सर अंडर सोलह हजार 108 की पालना जगदम्बा करेगी। जगदम्बा जो सजा नहीं खाने वाले हैं उनकी पालना करेगी, या जो सजा खाने वाले हैं उनकी पालना करेगी? जगदम्बा तो सबका अम्बा है ना। अम्बा तो है, लेकिन पालना किसकी करेगी? सजा नहीं खाते हैं उनकी पालना वैष्णवी देवी खास करेगी। वैष्णवी तो 16,108 की पालना जगदम्बा करेगी, और जो सरेंडर हुए फिर घर चले गए वो भी तो 16,108 की लिस्ट में आवेंगे, क्योंकि बाप ने गारंटी ली है कि सरेंडर हो गए बाप के बन गए तो भले भाग गए तो भी उनको आना कहां पड़ेगा। परिस्थितियां मजबूर कर देंगी बाप के पास आने के लिए। तो कुर्सी नीचे गिर जावेगी या ऊंची कुर्सी बनी रहेगी? नीच पद मिलेगा। कितना भी पुरुषार्थ करें, जो पहले पद बनने वाला था वो पद दोबारा आने पर नहीं बन सकता। जो घर भागने वाले हैं उनकी खास पालना करेगी जगदम्बा, क्योंकि ट्रेटर बनने वालों में जगदम्बा सबसे पावरफुल है या कमजोर है? है सबसे पावरफुल है।
तो कौन सा ग्रुप बनाएगी? माँ कालियों का ग्रुप बनाएगी या गोरियों का ग्रुप बनाएगी? धर्मराज का पार्ट बजाने के लिए शरीर चाहिए, तो किस शरीर का आधार लेंगे? गर्म का राजा कौन है? और धर्मराज अष्ट देवों की लिस्ट में है या नहीं है? उनका शरीर है ब्रह्मा का? नहीं, जगदम्बा में प्रवेश करते हैं। जगदम्बा अष्टदेवों की लिस्ट में आती है? नहीं आती है। बाप आती है। बाप एक हो गया, बाकी सात और बचे। दक्षिण भारत के होते हुए अष्टदेवों का चित्र नहीं देखा? देखा है। देखा, उसमें धर्मराज है या नहीं है? हाँ, यमराज। यमराज है या नहीं है? तो फिर माने अष्टदेवों में से कोई एक है जो निमित्त बनता है। शिव बाप सब बच्चों में प्रवेश नहीं करता, लेकिन बाप दादा प्रवेश करते हैं। बाप तो प्यार का सागर है या मार का सागर है? वो प्यार का सागर का ही पार्ट बजावेगा या मार का सागर का पार्ट बजावेगा? कह दिया है धर्मराज शंकर प्रलयंकर, बाकी प्रैक्टिकल में तो ऐसा पार्ट नहीं बजाता। श्रृंगार का पार्ट कौन बजाती है? शक्तियां बजाती हैं। अष्टदेव में जो जरूर एक जरूर कोई शक्ति है तो ब्रह्मा सजा ही देते। जो धर्मराज का पार्ट बजाएगी, निमित्त बनेगी। तो कौन से नंबर पूछ रहे हैं? है तो कौन से नंबर तो पूछ रहे हैं? क्या कौन से नंबर पर? अष्टदेव में कौन से नंबर में तो ये द्वारा ब्रह्मा ऐसी धर्मराज के पार्ट बजाएगा? अष्टदेव में दो प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? हुए। तो दो के बाद तीसरा नंबर किसका है? धर्मराज का है। अष्टदेवों में एक है सूर्यवंश का बीज और दूसरा है चंद्रवंश का बीज और तीसरा है इस्लाम धर्म का बीज। कायदे कानून को कड़क रूप से कौन पकड़ता है? कौन सा धर्म? फिर रहम नहीं होता है। दुर्योधन को राज्य तो मिला और पांडवों को वनवास मिला, लेकिन आखिर में कौरव सारे खलास हो गए। तो वो क्या सुख भोगेंगे? जब तक जीते रहे तब तक उनकी बुद्धि भी पांडवों में लगी रही, तो इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? दुर्योधन का अर्थ क्या है? दुष्ट युद्ध करने वाला। जो युद्ध माया का युद्ध बाप ने बताया है, अहिंसक युद्ध है बाप का बताया हुआ,
यह अहिंसक युद्ध है, अहिंसक युद्ध है। जो अहिंसक युद्ध करता है वो युधिष्ठिर है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, और जो हिंसक युद्ध करता है वो दुह, दुह माने दुष्ट, दुष्ट युद्ध करने वाला है। दुष्ट युद्ध होता है हिंसक युद्ध, बाहुबल के आधार पर युद्ध करना, मारपीट कर देना, जिस्मानी मारपीट कर देना, धन बल के आधार पर घूस दे करके, रिश्वत दे करके, उल्टा पुल्टा काम कराए के कोई को जेल कराए देना, इस तरह के अनैतिक कर्म कराना, ये दुष्ट युद्ध है। जोर जबरदस्ती करना, सीमत की बरखिलाफी करना, ये दुष्ट युद्ध है। एडवांस में आने वालों को दुष्ट युद्ध करने वाले कौन है वो बुद्धि में आ जाना चाहिए। ज्यादा संख्या दुष्ट युद्ध करने वालों की अभी एडवांस में है या बेसिक में है? अभी बेसिक में है, क्योंकि अभी बाप मौजूद है, इसलिए सब ठीक ठाक ही चल रहा है। वो दुर्योधन, दुशासन, वो रावण संप्रदाय, वो कुंभकर्ण आदि सब प्रत्यक्ष हो रहे हैं, जो बाहुबल का आधार ले रहे हैं, ज्ञान बल का आधार नहीं ले रहे हैं, मुरलियों का आधार लेकर बात नहीं करते, मनमानी चाल चलते हैं। बाबा ने कहा है छोटी मधुमक्खी का शहद आंख में लगाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, तो इसका बेहद में शूटिंग कैसे होती है? यहां कौन से शहद की बात है, स्थूल शहद की बात है या मिठास की बात है? जो मुख से निकलता है, व्यवहार से निकलता है, दृष्टि से निकलता है, वृत्ति से निकलता है, ऐसा मधुर व्यवहार करने वाली वैष्णवी जिनके साथ मधुर व्यवहार करती है उनकी दृष्टि कैसी बनेगी? दिव्य दृष्टि बनती है या क्रूर दृष्टि बनती है? दिव्य दृष्टि बनती है। दिव्य दृष्टि अच्छी होती है या राक्षसी दृष्टि अच्छी होती है? दिव्य दृष्टि अच्छी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया है कि यमुना अपने माता पिता का विरोध नहीं करती है, फिर भी उसका बेहद में इतनी ग्लानी क्यों है? अरे यमुना की महिमा है या ग्लानी है? गंगा यमुना नदियों की महिमा होती है या ग्लानी होती है? महिमा है। हाँ, गंगा के मुकाबले अगर कहें तो यमुना की महिमा कम है ये कहेंगे। वो कम इसलिए है कि गंगा की देह अभिमान की मिट्टी चिपकने वाली नहीं होती है, मोह ममता पैदा करने वाली नहीं होती है, अटैचमेंट पैदा करने वाली नहीं होती है, और यमुना की चिकनी मिट्टी मोह
मोह पैदा करने वाली होती है, अटैचमेंट पैदा करने वाली होती है, देहभान बढ़ाने वाली होती है, इतनी महिमा कम है। बाबा सूर्यवंशियों की माँ संध्या, वो सूर्य लोक को और सूर्य को दो बार छोड़कर चली जाती है और सूर्य से डरती भी है। ऐसे क्यों होता है? जो तीव्र पुरुषार्थी होगा और जो ढीला पुरुषार्थी होगा, तो ढीला पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी वाले से भय खाएगा या नहीं खाएगा? भय खाता है, डरता है, ये बहुत आगे चला गया। इसलिए संध्या भी दो बार छोड़ के चली जाती है, यज्ञ के आदि में भी छोड़ करके गई होगी और एडवांस में भी छोड़ देती है। ये तो आप देखिए कि आपका नजदीकी है, आपको सहयोग दिया है, लौकिक व्यवहार में, लौकिक जीवन में आपके साथ निभाया है, तो आप भी उसके साथ निभाइए। दुख के टाइम पर जो सहयोगी बनता है, थोड़ा भावना दिखाता है, उससे लोगों को थोड़ा तरजीह मिलती है, तो छोड़ क्यों देना उनको? हाँ जी, बच्चे तो बच्चे बाप को साकार में निराकार को याद करते हैं, तो शंकर कैसे याद करते हैं, किसको याद करते हैं और कैसे याद करते? उसको पहचान कम है क्या? शंकर को जो शंकर वाली आत्मा होगी उसको कम पहचान होगी क्या? उसको कम पहचान होगी या औरों के मुकाबले जास्ती पहचान होगी? जास्ती पहचान होगी। तो जो जास्ती पहचान वाला होगा उसको याद करना सहज होगा या कठिन होगा? हम जो पूछ रहे हैं उसको वो बात बताओ, वो मुकर्ररत की उसे पहचान है या नहीं है? है। तो उस मुकर्ररत में वो शिव को याद करने में उसको कठिनाई होगी या और सहज होगा? और ज्यादा सहज हो गया, क्योंकि दूसरे में याद करना तो कठिन होता है और अपनी का आत्मा को याद करना और ही सहज होता है। वो नजदीक है, नजदीकी को याद करना सहज है या दूर वाले को याद करना सहज है? है? जो सदैव नजदीक रहा पड़ा है उसको याद करना तो बहुत सहज है। ओम शांति।